देखिए स्थानीय मुद्दे तो सबसे पहले तो मुद्दा हमारे लिए जो पूरे देश में ही है वो नौजवान के रोजगार का है। मेरा प्रमुख मुद्दा नौजवान के रोजगार का है, किसान की फसल की फसल के दाम का है और GST के अंदर जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है उसके मेन मुद्दा हमारे यही है जो बुनियादी चीज़ें। हम लोग किसी हवा हवाई बात नहीं करना चाहते, हम लोग बुनियादी चीज़ों को पर बात करना चाहते हैं। रोजी रोटी शिक्षा पर बात करेंगे, हमें बेकार की बातों में नाम नहीं जाया करना, नाम से बात करें। राहुल गांधी जी आए थे, आपने उनको यहाँ पे घुमाया तो आपकी बात हुई थी, तो क्या कुछ कहा? राहुल गांधी जी की नीतियाँ रोजगार को रखें। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो कार्मिक का यहाँ काम है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए और इसको प्रमोट करने का काम अगर हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से करेंगे। राघव रतन पांडे जी ने 5 साल के अंदर में खुशहाली सुन गांव को एक दो शब्दपुर है उसमें आपको वोट मिलेगा, उसकी स्थिति खराब आपकी सरकार में। राघव लखनपाल जी को वोट मिलता है राघव के नाम से और इमरान की बदकिस्मत ये काम के बाद भी वोट के अंदर कमी अगर आती है तो नाम से आती है इमरान। तो ये जो राजनीति है मैं इसको बदलने का प्रयास में काफ़ी हद तक सफल मिल गया। गठबंधन से क्या गठबंधन कौन उनका क्या वजूद है? पिछली बार भी उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी, अभी भी उनकी ज़मानत जब्त होगी, उनका कोई वजूद ही नहीं है यहाँ, तो क्या उनके बारे में बात करें। लास्ट इलेक्शन आप 2014 का उठा कर देख लीजिए, दोनों की ज़मानतें जब्त हुई हैं। तो जो पार्टी ज़मानत जब्त हुई भी हो और जिन पार्टियों के दोनों पार्टियों के वोट मिलकर भी 2,87,000 तो हमें 4,08,000 है हमारे और उनके बीच में 1,30,000 वोट का फासला है, उसको कैसे तय करेंगे, कहाँ से लाएंगे वोट? वोट कहीं आसमान से थोड़ी बरस रहा है, वो तो सिर्फ बेकार की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं।